हाँ जी, सो हेलो एवरीवन, मेरी वॉइस आ रही है सभी के पास क्लियर? ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। जल्दी से स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए, है ना? ठीक है जी। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ के अंदर, है ना? ठीक है जी। ओके ओके ओके, ग्रेट। ओके ओके एवरीबॉडी। जस्ट वेट 1 मिनट। ठीक है गाइस, सो ओके एवरीबॉडी, आई होप कि आप सभी एक्साइटेड होंगे आज कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया जानने के लिए आप लोग यहाँ पर आए हो। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट। थोड़ा पहले अपने बारे में बता देता हूँ, मेरा नाम विशाल कुमार है और अगर मैं बात करूँ अपनी स्टडी की, तो सबसे पहले मैंने 12th की, 12th नॉन मेडिकल से। 12th करने के बाद फिर मैंने BSc की, BSc नॉन मेडिकल से। BSc करने के बाद फिर MSc की, MSc मैथमेटिक्स से। और MSc करते करते ही इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में मुझे पता चला था, जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, आप लोगों को बताने वाला हूँ, है ना? ये हमारा वेबिनार प्रॉपर 1 घंटे का वेबिनार होने वाला है। सो सभी दिल थाम के बैठिए, 1 घंटे में आपको प्रॉपर सब कुछ बताया जाएगा कि क्या अपॉर्चुनिटी है। ठीक है जी, अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आप बैठे, अगर नहीं है तो आप जा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है जी। सो गाइस, क्या आप सभी एक्साइटेड हैं? जल्दी से मुझे टाइप करके बता दीजिए चैट बॉक्स के अंदर, कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया जानने के लिए। क्या आप लोग एक्साइटेड हैं? यस यस यस, क्या बात है क्या बात है। एवरीबॉडी लुकिंग सो मच एक्साइटेड टुडे। सो ओके एवरीबॉडी, एंड नाउ आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन। सो ओके एवरीबॉडी, आप लोगों के सामने एक स्क्रीन आ रही होगी यहां पर। आई थिंक सभी के पास स्क्रीन आ चुकी है। सो ओके, वेलकम है आज आप सभी का डीएन एंटरप्रेन्योर के अंदर। हाँ जी गाइस, सो अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये डीएन एंटरप्रेन्योर है क्या एक्चुअली, व्हाट इज दिस डीएन एंटरप्रेन्योर। डीएन एंटरप्रेन्योर एक ग्रुप है जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये सिखाते हैं कि कैसे वो घर बैठे बैठे इस लॉकडाउन सिचुएशन में डिजिटल टूल्स का यूज करके, जैसे अपना मोबाइल फोन, लैपटॉप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सभी चीजों का यूज करके कैसे वो एक अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, और कैसे जो ये यूथ है वो एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को स्टार्ट कर सकता है। सो गाइज, आई थिंक आप सभी एक्साइटेड होंगे ये सब जानने के लिए, एंड वेलकम है अगेन आप सभी का। देखो लाइफ के अंदर ना हर कोई कुछ ना कुछ चाहता जरूर है। जैसे यहाँ आप सभी के सामने एक स्लाइड आई हुई है, यहाँ लिखा हुआ है व्हाट डू यू ड्रीम ऑफ, आपका ड्रीम क्या है। अब जहाँ जितने भी पर्सन है ना, हर किसी का लाइफ में कुछ ना कुछ ड्रीम जरूर होता है। कोई सोचता है कि मैं वर्ल्ड ट्रेवल करूँ, दुनिया घूमू। कोई सोचता है कि मेरे पास अच्छी गाड़ियां हो, अच्छी मतलब लग्जरी कार्स हो, या गाड़ी तो होनी ही चाहिए, है ना? और कोई सोचता है कि मेरा बहुत अच्छा बंगला हो, घर हो, मेरे पास बहुत कुछ हो। कोई सोचता है कि मेरे पास फाइनेंशियल फ्रीडम होनी चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब कि मैं कोई भी सामान खरीदूं, कोई भी चीज खरीदूं, उससे पहले मुझे उसका प्राइस टैग ना देखना पड़े, बस अगर मन को अच्छा लगा तो मैं खरीद लूं, इतना पैसा होना चाहिए मेरे पास, है ना? और कोई सोचता है कि मेरे पास टाइम फ्रीडम हो, टाइम होना चाहिए ताकि मैं सभी को टाइम दे सकूं, घर वालों को भी टाइम दे सकूं, बिजनेस को भी टाइम दे सकूं, अपने काम को भी टाइम दे सकूं, हर किसी को मैं टाइम दे सकूं। हर किसी का कोई ना कोई ड्रीम, कोई ना कोई जरूर होता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या हर किसी के ये ड्रीम पूरे हो जाते हैं? नहीं होते।
अब इसका मेन कारण क्या है, आप लोगों ने ना एक कहावत जरूर सुनी होगी जो मैंने भी सुनी थी कि चादर देख के पैर पसारो। किस किस ने ये कहावत सुनी है? मैक्सिमम लोगों ने ये कहावत सुनी हुई होगी कि चादर देख के पैर पसारो। क्यों, अब ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि ड्रीम तो हमारे इतने बड़े होते हैं लेकिन जो हमारी इनकम होती है, जो हमारे पास पैसा आना होता है, वो बहुत कम होता है। ड्रीम सर्कल बहुत बड़ा है लेकिन इनकम सर्कल बहुत छोटा है। तो लोग हमें यही बोलते हैं, घर वाले हमें यही बोलते हैं कि चादर देख के पैर पसारो, कि जितना आपके पास पैसा है उसी के हिसाब से अपने खर्चे करो। लेकिन मैं आप लोगों को आज बोल रहा हूं, इंस्टेड ऑफ लोअरिंग योर ड्रीम, अपने ड्रीम्स को छोटा करने की बजाय इनकम के कारण अपनी इनकम को ही बढ़ा लीजिए। आज आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे आप अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं उसके साथ साथ पार्ट टाइम में कुछ बहुत अच्छा करके अपने ड्रीम पूरे कर सकते हैं, फुल टाइम वर्क करके ऑनलाइन काम करके आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं, है ना। बहुत कुछ आज आप लोगों को पता लगने वाला है। सो यहाँ आप सभी के सामने एक स्लाइड आई हुई है, यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ मच इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए कि कोई चीज का प्राइस आपने देखा आप खरीद सको, कितना पैसा होना चाहिए? अब 1940 की अगर मैं बात करूं, उस टाइम 10 रुपए की बहुत ज्यादा कीमत होती थी, 10 रुपए में घर का गुजारा अच्छे से चल जाता था। लेकिन 1960 के अंदर क्या हुआ, एक जीरो ऐड हो गई पीछे, 100 रुपए में घर का गुजारा चलने लगा, लोगों की जिंदगी 100 रुपए में बहुत अच्छी चलती थी। फिर 20 साल बाद 1980 के अंदर 1000 रुपए में लोगों का गुजारा चलने लगा, जिंदगी अच्छी चलने लगी। सन 2000 के अंदर 10,000 रुपए की रिक्वायरमेंट थी, लोगों को चाहिए थे 10,000 रुपए घर का गुजारा चलाने के लिए, अच्छी जिंदगी को जीने के लिए। लेकिन अगर फिर उसके बाद 20 साल बाद की बात करें, सन 2020, 2020 के अंदर रिक्वायरमेंट है अच्छी जिंदगी जीने के लिए कम से कम 1 लाख रुपए की। 2020 की बात कर रहा हूं मैं, 20 तो जा चुके हैं, अभी 2021 चल रहा है ना। कितने की रिक्वायरमेंट है? 1 लाख रुपए की जरूरत है। लेकिन आप सोच के देखिए कि क्या हम वो 1 लाख रुपए की जरूरत जो हमारी है हम उसको पूरा कर पा रही हैं? नहीं कर पा रही है। अब वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा क्या कारण है? देखो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो मतलब क्या करते हैं, 10-12 हजार रुपए की जॉब कर रहे हैं, 15 हजार रुपए की, 20 हजार रुपए की जॉब कर रहे हैं। क्या आप प्रिपेयर हैं इसके लिए? आपको रिक्वायरमेंट है 1 लाख रुपए मंथली की, क्या आप इसके लिए प्रिपेयर हैं? हाँ जी, अपने केवल घर का गुजारा चलाने के लिए आपको 1 लाख रुपए की जरूरत है, क्या आप प्रिपेयर हैं उसके लिए, है ना। अब आप क्या करेंगे इसके लिए? आपको 1 लाख रुपए अगर मंथली कमाना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? वट यू हैव डिसाइड टू डू, आपने क्या सोचा है उसके लिए करने का? सबसे पहली बात करते हैं, आप कोई जॉब करेंगे? हाँ जी, जॉब करना चाहते हैं आप लोग कोई? मैं बताता हूं आपको जॉब के हालात आज के टाइम में, लॉकडाउन के अंदर 67% जॉब जो है वो खत्म हो चुकी है, 67% जॉब जा चुकी है लॉकडाउन के अंदर। लोग बेरोजगार हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लोगों की खर्चे तो हैं लेकिन इनकम का साधन नहीं रहा लोगों के पास। उसके बाद आप क्या करेंगे? आप सोच रहे होंगे कि मेरा कोई फैमिली बिजनेस है, मैं वो फैमिली बिजनेस करूंगा आगे, है ना। आप खुद एक बात सोच के देखिए, एक फैमिली बिजनेस को रन करने के लिए, उसको सीखने के लिए अच्छे तरीके से कम 2 से 3 साल आपको चाहिए। लेकिन 2000 अभी 2021 में आपको रिक्वायरमेंट है 1 लाख रुपए की, आप कहाँ से लेकर के आएंगे? या आपका कोई खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, खुद का अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जितने भी हम स्टार्टअप स्टार्ट होते हैं उनमें से 95% स्टार्टअप जो है ना आने वाले 5 साल के अंदर बंद हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो हम करेंगे क्या, है ना। जॉब्स जा चुकी हैं, लोगों के बुरे हालात हैं, आप सभी को पता ही है जिस हिसाब के आज के टाइम में सिचुएशन है। अब जब मैं ये सभी चीजें देखता था, मैं एमएससी कर रहा था, तो मैंने बिजनेस के बारे में बहुत सर्च किया, बहुत बुक्स रीड की। उसके अंदर मैंने एक बुक को रीड किया था जिसका नाम था रिच डैड पुअर डैड, और उस बुक के अंदर मैंने एक कॉन्सेप्ट को सीखा था, वो मैं आपको बताता हूँ। वो कंसेप्ट क्या था कि इस दुनिया के अंदर अगर कोई भी पर्सन है, कोई भी इंसान है, वो 4 तरीके से पैसा कमाता है, केवल 4 तरीके हैं पैसा कमाने के। वो कौन कौन से हैं, यहाँ आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहला लिखा हुआ है इम्प्लॉय। इम्प्लॉय कौन होता है? कोई एक कर्मचारी, मतलब जो कहीं जॉब करता है किसी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, किसी प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर कोई बंदा जॉब कर रहा है तो वो क्या है, वहां पर इम्प्लॉय है।
दूसरा सेल्फ इम्प्लॉय। सेल्फ इम्प्लॉय कौन होता है? जो खुद काम करता है, जैसे मार्केट के अंदर दुकानदार हो गए, है ना, कपड़ों की दुकानें हो गई या किसी का खुद का क्लिनिक हो गया, है ना। उसके बाद आते हैं बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर कौन होते हैं? जो एक बहुत बड़ी टीम के साथ काम करते हैं, लोग उनके लिए काम करते हैं, वो खुद काम नहीं करते, उनको बोलते हैं बिजनेस ओनर। वो एक सिस्टम को तैयार करते हैं, जिनका खुद का एक सिस्टम होता है। मान लीजिए किसी ने बहुत बड़ा कॉलेज खोल लिया, किसी ने बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी खोल ली, किसी ने बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोल लिया, उसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस ओनर। उनको बोलते हैं बिजनेस। उसके बाद आते हैं इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन होते हैं? जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा इन्वेस्ट किया पैसा बनाया, इन्वेस्ट किया पैसा बनाया, पैसे से पैसा बनाते हैं जो लोग। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, अभी उसने अपनी MBBS कंप्लीट की है और उसको किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर या फिर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जॉब मिल जाती है, तो वो क्या बन गया वहां पर? वो बन गया वहां पर इम्प्लॉय। लेकिन अब उसके माइंड में आया कि इससे ज्यादा पैसा तो मैं खुद का क्लिनिक खोल के कमा लूंगा, तो वो क्या करता है? वो खुद का क्लिनिक खोल लेता है और वो वहां पर मरीजों को चेक करता है सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक मरीजों को चेक करता है। अब वो क्या बन गया? सेल्फ इंप्लॉय बन गया, वो खुद अकेला काम कर रहा है। उसके बाद आते हैं बिजनेस ओनर। अब उस बंदे के दिमाग में आता है कि मेरे पास तो बहुत सारे मरीज आने लगे हैं, मैं एक दिन में केवल 200-300 मरीजों को चेक कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे ज्यादा चेक करने हैं तो उसके लिए मुझे एक हॉस्पिटल खोलना पड़ेगा, अपने जैसे 10 से 15 डॉक्टर वहां रखने पड़ेंगे। तो वो क्या बना लेता है? अपना खुद का हॉस्पिटल बना लेता है, वो बन जाता है उसका बिजनेस। अब वो काम नहीं करता, लोग उसके लिए काम करते हैं। अब एक सच्चाई क्या है यहाँ पर? इस दुनिया के अंदर 95% लोग ऐसे हैं जो दुनिया के केवल 5% पैसे के लिए काम कर रहे हैं। जो इम्प्लॉय और सेल्फ इम्प्लॉय की कैटेगरी में लोग हैं, वो इस दुनिया के अंदर केवल 5% पैसे के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन बिजनेस ओनर और जो इन्वेस्टर हैं, वो 5% ऐसे पर्सन है जो 95% पैसे के लिए आज के टाइम में काम कर रहे हैं। समझ रहे हो? सो इस चीज को हमें अंडरस्टैंड करना है। अब इंडिया के लोग ज्यादा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनका माइंड सेट ही उनको बहुत छोटा करके रखते हैं, वो मतलब बहुत छोटा सोच लेके चलते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अब इंडिया के लोग सोचते कैसे हैं? जैसे मान लीजिए उनकी कोई मोबाइल फोन की दुकान है। अब उनको क्या है, एक मोबाइल फोन से 1,000 रुपया बचता है, तो वो क्या सोचेंगे कि दिन में एक मोबाइल फोन बेच दूंगा और मैं अपना 1,000 रुपया कमा लूंगा, ऐसे ही मैं एक मंथ के अंदर 30 फोन बेच दूंगा, 30,000 रुपया कमा लूंगा। इस तरीके की सोच होती है, मतलब काम बहुत कम करना चाहते हैं। लेकिन जो बिजनेस ओनर होते हैं, जो मतलब बहुत बड़ा करना चाहते हैं, वो क्या करते हैं? वो एक टीम क्रिएट करते हैं। जो बिजनेस ओनर होगा वो सिस्टम को क्रिएट करेगा। वो क्या सोचेगा कि मैं एक 30 लोगों की ऐसी टीम तैयार कर लूंगा, वो 30 लोग एक दिन के अंदर एक एक मोबाइल फोन बेचेंगे और एक मोबाइल फोन से जो 1,000 रुपए का प्रॉफिट होगा, 800 रुपए में उस बंदे को दे दूंगा, उसमें से 200 रुपए में खुद रख लूंगा। समझ रहे हो? सो मतलब वो क्या करता है, देखो 30% एक दिन के अंदर 30 फोन बेच रहे हैं, तो वो एक दिन के अंदर ही 200 रुपए के हिसाब से कितना पैसा कमा लेता है? 6,000 रुपए एक दिन के अंदर कमा लेता है। और अगर मैं बात करूं पूरे मंथ की, पूरे मंथ के अंदर कितने मोबाइल फोन बिके उसके? 900 मोबाइल फोन बिके और 200 रुपए के हिसाब से 1,80,000 रुपया उस बंदे ने कमाया। ये होता है बिजनेस माइंडसेट। बिजनेसमैन कभी एक पर्सन से ज्यादा पैसा नहीं कमाता, वो ज्यादा लोगों से थोड़ा 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 पैसा कमाता है, इसलिए वो ज्यादा पैसा कमा जाता है, है ना। सो इस तरीके से बिजनेस माइंड काम करता है। अब व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस व्हाट यू वांट टू डू, आप किस प्रकार का बिजनेस करना चाहते हैं, कैसा काम आप लोग करना चाहते हैं? अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि अगर काम करना है तो कोई ऐसा काम करना है जिसकी लोगों को जरूरत हो, है ना, और रिसेशन फ्री बिजनेस हो। रिसेशन फ्री मीन्स कि किसी कोविड, किसी भी प्रकार की बीमारी का उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। अब आप खुद सोच के देखिए कि कोविड आया, कितनी जॉब्स, कितने बड़े बड़े बिजनेस खत्म हो चुके हैं। समझ रहे हो? लोगों ने कितने बड़े बड़े मॉल बना रखे थे, वो खत्म हो चुके हैं। तो बिजनेस करना है तो कोई ऐसा करना है जो रिसेशन फ्री बिजनेस हो, लोगों की उसको जरूरत हो। अब कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो रिसेशन फ्री इंडस्ट्री है? चाहे भूकंप आ जाए, कुछ भी आ जाए, कोरोना आ जाए, कोरोना की माँ आ जाए, कोरोना का बाप आ जाए, भैया कुछ भी आ जाए, ये काम चलेगा ही चलेगा। ऐसी 3 इंडस्ट्री के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। वो 3 इंडस्ट्री है। सबसे पहली इंडस्ट्री है एजुकेशन की इंडस्ट्री। आपको क्या लोग लगता है कि क्या लोग सीखना बंद कर देंगे? हाँ जी, क्या लोग नॉलेज लेना बंद कर देंगे?
नहीं, लोग सीखना बंद नहीं करेंगे। पहले स्कूल कॉलेज जो थे वो ऑफलाइन थे, लेकिन स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज आज भी चल रही हैं। क्यों? क्योंकि उनका पूरे का पूरा सिस्टम कहाँ आ चुका है, ऑनलाइन आ चुका है। आज भी वो क्या कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, है ना। मतलब एजुकेशन इंडस्ट्री कभी भी बंद होने वाली इंडस्ट्री नहीं है। दूसरी इंडस्ट्री है सिकनेस इंडस्ट्री। अब सिकनेस इंडस्ट्री का मतलब क्या, लोग बीमार होना बंद हो जाएंगे? लोग बीमार होना बंद भी नहीं होंगे, है ना। लोग मतलब एक्सीडेंट भी होंगे, लोग बीमार भी होंगे, सब कुछ होंगे। क्या ये इंडस्ट्री बंद हो जाएगी? ये इंडस्ट्री भी बंद नहीं होगी। उसके बाद तीसरी जो इंडस्ट्री है, दिस इज वेलनेस इंडस्ट्री। वेलनेस इंडस्ट्री, वेलनेस इंडस्ट्री क्या होती है, जिसमें लोग बीमार होने से पहले ही कुछ ऐसे काम करते हैं कि हम बीमार ही ना हों, अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते हैं। पहले कहीं जिम हुआ करती थी, नहीं लेकिन आज के टाइम में है। पहले हेयर सैलून हुआ करते थे, लेकिन नहीं आज के टाइम में है। पहले कहीं पे ब्यूटी पार्लर हुआ करते थे, लेकिन नहीं आज के टाइम में है। पहले लोग आप खुद सोच के देखो, जो बाबा रामदेव जी का बिजनेस है, क्या वो दवाइयां बेचते हैं? नहीं, वो हेल्थ के प्रोडक्ट बेचते हैं। दिस इज वेलनेस इंडस्ट्री। मतलब आने वाली जो इंडस्ट्री है, सबसे बड़ी इंडस्ट्री, दिस इज वेलनेस इंडस्ट्री। तो ये तीन बिजनेस ऐसे हैं जो रिसेशन फ्री बिजनेस हैं, और आज के टाइम में एंटरप्रेन्योरशिप इज द फ्यूचर। अब एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है? कोई ऐसा पर्सन जो कोई एक बिजनेस रन करता है, जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो, उसको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर, और फ्यूचर है आने वाला टाइम। अब विच इंडस्ट्री टू चूज? अब पैसा कमाना है 1 लाख रुपए मंथली, किस इंडस्ट्री को चूज करें? बहुत सारी इंडस्ट्री हैं, आप कमा सकते हैं, कहीं भी कमा सकते हैं। सबसे पहली इंडस्ट्री आती है रियल इस्टेट इंडस्ट्री। रियल इस्टेट के अंदर आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन रियल इस्टेट के अंदर पैसा कमाने के लिए पहले आपके पास क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए ताकि आप जमीन को खरीद सको, है ना। और फिर उसके बाद उसका प्राइस सही लगना चाहिए। दूसरी चीज, वहां पैसिव इनकम जरूर कमा सकते हो। आप कोई बिल्डिंग खड़ी करके वहां रेंट पे दे सकते हो, उसको वहां से पैसिव इनकम अर्न कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है आपके पास स्टॉक ट्रेडिंग। आप स्टॉक मार्केट कर सकते हो, है ना। चलते हैं ना ऐप, स्टॉक ट्रेडिंग वाले ऐप जो होते हैं, स्टॉक ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन वहां भी आपको क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट वहां आप लोगों को करनी पड़ेगी, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तब जाके आपको रिटर्न मिलेंगे। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो पैसा लगा करके उनका पैसा ही खत्म हो जाता है, स्टॉक डाउन चले गए, पैसा खत्म, है ना। और सम काइंड ऑफ स्टार्टअप, आप कोई नया स्टार्टअप खड़ा करना चाहते हैं, सबसे पहले तो स्टार्टअप करने के लिए आपके पास स्किल्स होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके पास स्किल होनी चाहिए, मार्केटिंग स्किल होनी चाहिए, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग स्किल, बहुत सारी स्किल्स होती है जो आपके पास होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद तो बचा क्या? आप बचा है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, जहां आप जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती। यहाँ आपकी स्किल्स इंप्रूव होती हैं, आप पैसिव इनकम अर्न कर सकते हैं, इस बिजनेस के अंदर पैसिव इनकम कमाते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पैसिव इनकम होती क्या है ना। देखो, दो प्रकार की हमारे पास इनकम होती है। एक होती है एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या होती है? जब तक तो हम काम करते रहेंगे, तब तक हमारे पास पैसा आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, उसको हम बोलते हैं एक्टिव इनकम। और जिस दिन काम करना बंद, उस दिन पैसा आना भी बंद। लेकिन पैसिव इनकम क्या होती है कि चाहे हम काम कर रहे हैं, चाहे हम काम करना बंद भी कर दें, फिर भी पैसा आता रहे, आता रहे, आता रहे, आता रहे, उसको हम बोलते हैं पैसिव इनकम। मतलब चाहे आप काम करें, चाहे आप काम ना करें, फिर भी आपके पास पैसा आ रहा है, उसको हम बोलते हैं पैसिव इनकम, है ना। अब नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुन के कई लोग ये सोच रहे होंगे, व्हाट, क्या नेटवर्क मार्केटिंग? अच्छा जी, आपको एक बात बताता हूं, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कोई चेन सिस्टम है, बंदे बुंदे लगाने वाला काम है, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े चेन सिस्टम आप लोगों के सामने हैं यहाँ इस स्लाइड में। मैकडोनल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा चेन सिस्टम, जो अपनी फ्रेंचाइजी बेच के चेन बढ़ाता चला जा रहा है। टाटा स्काई, फेसबुक, कितना बड़ा नेटवर्क है फेसबुक का। यहाँ जितने भी पर्सन हैं, मैक्सिमम सभी पर्सन फेसबुक के नेटवर्क के अंदर है ना। वो कितना बड़ा चेन सिस्टम है। पेटीएम, जियो, पूरा इंडिया आज जियो को यूज कर रहे है ना। अब हमें ये देखना है कि लीगल क्या है और इलीगल क्या है, सही क्या है और गलत क्या है ना। ये हमें परख होनी चाहिए जरूर। उसके बाद ये है, देखो, ये एक आईएएस ऑफिसर हैं, मिस्टर अमिताभ कांत।
ये क्या बोल रही है, डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल्स आर डूइंग वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन, कि जो डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं ना बंदे, वो बहुत अच्छा प्रोफेशन है। दे आर इकोनॉमिक ड्राइव ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडिया, और जो इंडिया की ग्रोथ को इंक्रीज करने में सबसे बड़ा हाथ है वो इसी का होगा, है ना। अब एक्सपर्ट लोग क्या बोल रहे हैं इस बिजनेस के बारे में, वो भी आप देख लीजिए, है ना। एक्सपर्ट क्या बोलते हैं इस बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ स्लाइड शायद आ नहीं रही, जस्ट वेट, है ना, ठीक है जी। सो यहाँ देखो बिल गेट्स हैं, बिल गेट्स ने अपनी वर्डिंग कही, आप गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हो। इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, अगर मुझे दोबारा से सब कुछ स्टार्ट करने का मौका मिले, सो आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग, मैं नेटवर्क मार्केटिंग से स्टार्ट करूंगा। बिल क्लिंटन, रॉबर्ट टी क्यूसाकी, कितने बड़े बिजनेसमैन हैं, है ना, ये सब क्या बोल रहे हैं। लेकिन हमारी इंडिया में लोग सलाह ज्यादा लेते हैं, राय लेते हैं दूसरे लोगों की, जो मतलब जो कुछ भी नहीं किया जिन्होंने लाइफ के अंदर। अब ये मिस्टर संदीप महेश्वरी, मैक्सिमम लोग इनके बारे में जानते होंगे, इन्होंने अपने करियर की शुरुआत कैसे की, नेटवर्क मार्केटिंग से, है ना। डॉक्टर विवेक बिंद्रा, एशिया के सबसे बड़े बिजनेस कोच हैं, ये क्या बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जस्ट वेट 1 मिनट, कि ये बोल क्या रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। के लोग आना चाहते हो कि आके अच्छा लग रहा है, मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर आप सफल हो या ना हो, लेकिन अगर वहां पे ट्रेनिंग अच्छी हो रही है आपकी, वहां पे लोग अच्छे हैं, उसकी फिलॉसफी, उसकी रूट्स बड़ी कैरेक्टर पे आधारित है, मोरालिटी पे आधारित है, वहां पे ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, कैरेक्टर, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, एथिक्स, इन पे बड़ा फोकस दिया जा रहा है, तो अगर आप विफल भी होगा तो भी कोई बात नहीं, आपको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी डेवलपमेंट में बड़ा फोकस करेगा। इनफैक्ट अगर मेरी अपनी संतान होगी, मैं उसको भी नेटवर्क मार्केटिंग में कम से कम कुछ समय के लिए जरूर भेजूंगा, क्योंकि इससे इतना डेवलपमेंट हो जाता है, जहां पे पीपल अच्छा हो और फिलॉसफी अच्छा हो, उन लोगों के बीच में आपका अपना ग्रोथ बहुत हो जाएगा, आप सफल हो या ना हो कोई समस्या नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है, ठीक है जी। सो मतलब ये एशिया का सबसे बड़ा बिजनेस कोच है, और ये क्या बोल रहा है कि मैं अपनी संतान से भी नेटवर्क मार्केटिंग जरूर कराऊंगा, उससे उनसे भी ये बिजनेस जरूर कराऊंगा, क्योंकि इससे डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है। अब व्हाई डू आई रिकमेंड नेटवर्क मार्केटिंग एज अ बिजनेस, क्यों मैं आप लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस की तरह रिकमेंड कर रहा हूँ, है ना। अब देखो आप जानते होंगे डोनाल्ड ट्रंप को, है ना, अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनकी खुद की एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, दिस इज ट्रंप नेटवर्क, ट्रंप नेटवर्क के नाम से, है ना, ठीक है जी। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स आ चुके हैं, और वहां पर लोगों को सिखाया जा रहा है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। अब आप खुद सोच के देखिए, क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी कोई मतलब इलीगल स्कीम्स बताएगी, क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी कोई गलत चीजें सिखाएगी हमें। सो हमें खुद अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, हम पढ़े लिखे हैं, है ना, आप पढ़े लिखे हो, सो हाउ टू चूज द बेस्ट कंपनी, एक सही कंपनी का चुनाव कैसे करें। देखो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी फ्रॉड कंपनीज भी हैं, ये भी मैं अभी बता देता हूँ आप लोगों को, लेकिन एक सही कंपनी का चुनाव कैसे करें, उसको हम कैसे चुन सकते हैं। सबसे पहले देखना है आप लोगों को पीपल, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के लोगों का कल्चर कितना अच्छा है, वहाँ के लोग जो हैं वो हमें अच्छे से सिखाते भी हैं या नहीं। दूसरा आपको देखना है वहाँ का ट्रेनिंग, कि आपको अच्छे से ट्रेनिंग दी जा रही है नहीं, अच्छे से आप चीजों को सीख पा रहे हैं या नहीं। तीसरी चीज आपको देखनी है वहां का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यूज करने लायक होना चाहिए, जिसका लोगों को बेनिफिट हो, लोगों को फायदा हो उस प्रोडक्ट का, है ना। और चौथी चीज जो है प्रॉफिट पे आउट, कि आपको पैसा कैसे आ रहा है, पैसा कैसे मिलेगा, आप कैसे अर्निंग करोगे उस बिजनेस के अंदर। ये चार चीजें आपको सबसे पहले चेक करनी है उस बिजनेस के अंदर, है ना। सो मैं आपको जो बताने वाला हूँ फीचर्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी कोर्स बुक, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कोर्स कराया जाता है, जो बुक पढ़ाई जाती है, उस बुक में एक बात लिखी हुई है, फॉर एवर लिविंग इंटरनेशनल इज द लार्जेस्ट लीडर अमंग द मैनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज, जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं उसके अंदर फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी जो है वो क्या है, इन सभी कंपनी की लीडर है, सबसे बेस्ट फॉर एवर लिविंग
प्रोडक्ट कंपनी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये फॉरएवर लिविंग क्या है। फॉरएवर लिविंग एक इंटरनेशनल ब्रांड है जो 160 प्लस कंट्रीज के अंदर आज के टाइम में बिजनेस कर रही है, 160 से ज्यादा देशों के अंदर। 13 मई 1978 को फॉरएवर स्टार्ट हुई थी, है ना। अब केवल 43 ईयर हो चुके हैं फॉरएवर को काम करते हुए और 2.4 बिलियन की टर्नओवर प्रोड्यूस कर चुकी है। अगर मैं बात करूं इंडिया की, इंडिया के अंदर 4000 से ज्यादा क्या मिलीनियर प्रोड्यूस कर चुकी है फॉरएवर आज के टाइम में, है ना। अब फॉरएवर दो सबसे बड़े ट्रेंड के अंदर काम कर रही है। सबसे पहला मैंने आप लोगों को बताया नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग 2025 तक आप खुद सोच के देखो जॉब्स कितनी कम हो चुकी हैं, है ना। अब लोग क्या करेंगे, लोगों को पैसा कमाना है, लोगों को अर्निंग करनी है, वो क्या करेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करेंगे। और जितने ज्यादा लोग कोई बिजनेस करते हैं उतने ही ज्यादा उसके अंदर प्रॉफिट होता है। सो मतलब 2025 तक 65,000 करोड़ की ये इंडस्ट्री बनने वाली है, एंड हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री। आप गूगल पे सर्च करके देखो, मिस्टर पॉल जैन पिल्जर अमेरिका के इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, वो क्या बोल रहे हैं, वो बताते हैं कि जो हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री है वो नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बनने वाली है, इस दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली है। लेकिन हमें बिजनेस करना है तो हमें पता होना चाहिए कि मार्केट किस तरीके की है। अगर मैं इंडिया की बात करूं विटामिन एंड सप्लीमेंट की, 30,000 करोड़ की मार्केट है विटामिन एंड सप्लीमेंट की। अगर विटामिन एंड सप्लीमेंट का ही बिजनेस कर लिया ना तो बहुत ज्यादा ग्रो कर जाओगे। पर्सनल केयर, हम चीजें यूज करते हैं, क्रीम्स यूज करते हैं, टूथ जेल यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, है ना। पर्सनल केयर की 60,000 करोड़ की इंडियन मार्केट है। और अगर मैं बात करूं न्यूट्रिशन की, 6,000 करोड़ की इंडिया के अंदर मार्केट है न्यूट्रिशन की, है ना। अब जो फॉरएवर के पास प्रोडक्ट है वो किस तरीके के प्रोडक्ट है, फॉरएवर मेनली वर्क करती है दो चीजों के अंदर, एलोवेरा एंड बी हाइव। मतलब एलोवेरा के पत्ते के अंदर और मधुमक्खी के छत्ते के अंदर फॉरएवर को कोई बीट नहीं कर सकता। इस दुनिया का 85% एलोवेरा, 75% हनी जो है वो फॉरएवर पूरा करती है। और एलोवेरा भी एडवांस लेवल का एलोवेरा है, ये नहीं है कि जैसे इंडिया के अंदर एलोवेरा मिल जाता है, ठीक है। सो ये एलोवेरा बिल्कुल प्योर नेचुरल, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, है ना। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगा प्रोडक्ट के बारे में, मैं आज आप लोगों को बिजनेस के बारे में क्लियर कराने आया हूँ यहाँ, है ना। ये ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं बस आपको। आर्कटिक सी जो हमारी स्किन के लिए, लंग्स के लिए, ब्लड मतलब हार्ट से रिलेटेड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आर्कटिक सी। ब्राइट टूथ जेल, अब आप सभी ब्राइट टूथ जेल क्या आप कोई ना कोई पेस्ट घर पे यूज करते होंगे, उसके अंदर क्या डाला जाता है, फ्लोराइड डाला जाता है। आप चेक करके देखना, उस पे लिखा होता है कि 6 साल से कम उम्र के बच्चों को यूज ना कराएं, है ना। क्यों लिखा जाता है, क्योंकि उसके अंदर फ्लोराइड डाला गया है। फ्लोराइड हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, है ना। सो फॉरएवर का ब्राइट टूथ जेल है जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई फ्लोराइड नहीं है, है ना। और उसके बाद अगर हम बात करें बी हनी, सबसे अल्टीमेट प्रोडक्ट इस बिजनेस के अंदर। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो जब मैं इस प्रोडक्ट को घर लेकर के आया और मेरे दादाजी ने इसको चेक के देखा तो वो बोले कि विशाल तू ये लेके कहाँ से आया है। मैंने बोला क्यों, ये तो हमारे टाइम का हनी है। मैंने बोला कि ये फॉरएवर लिविंग का हनी है जो स्पेन के अंदर तैयार होता है। स्पेन को फूलों का राजा बोला जाता है, वहां इसको तैयार किया जाता है हनी को, है ना। और ये जितने भी प्रोडक्ट हैं बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट हैं, इनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई केमिकल ऐड नहीं किया गया। आप खुद सोच के देखिए, आने वाले टाइम में लोग केमिकल वाली चीजें ज्यादा यूज करना पसंद करेंगे या फिर नेचुरल चीजें, नेचुरल चीजें। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप बोल रहे हो नेचुरल है, नेचुरल है, इसका प्रूफ क्या है। आपने 10th क्लास पास की है उसका प्रूफ क्या है आपके पास, आपने 12th क्लास पास की है उसका प्रूफ क्या है आपके पास, आपके सर्टिफिकेट। ऐसे ही फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के पास भी बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं, यहाँ आप सर्च करके देख सकते हैं। इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल, केएल रेटिंग, एम हलाल, क्रूएल्टी फ्री, है ना। अरबियन देशों के अंदर जहाँ अल्कोहल बैन होती है वहाँ भी फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं, इसलिए बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट है फॉरएवर के पास। अब ये तो हो गई बैकग्राउंड की बात और प्रोडक्ट की बात, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ बिजनेस के बारे में कि यहाँ आप पैसा कैसे कमाएंगे। हाँ जी, तो क्या आप सभी एक्साइटेड हैं ये जानने के लिए, एक बार जल्दी से मुझे टाइप करके बता दें चैट बॉक्स के अंदर। यस, क्या बात है, ग्रेट, एवरीबॉडी लुकिंग सो मच एक्साइटेड। ओके 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 ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट।
So now I am going to share with you how you can earn money with this business. इस business के साथ आप पैसा कैसे कमा सकते हैं. So बड़े ध्यान से आप सभी को understand करना है. देखो दो प्रकार के business होते हैं. एक होता है traditional business और दूसरा होता है direct selling model, direct selling business. ट्रेडिशनल बिजनेस को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ. आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक यूज करते होंगे, आप माउंटेन ड्यू यूज करते होंगे या फिर थम्स अप यूज करते होंगे, कोई भी यूज करते होंगे. आप लोगों को पता है कि वो जो बड़ी बोतल है उस कोल्ड ड्रिंक की, ड्यू की बड़ी बोतल है, वो हमको 90 रुपए में मिलती है. आपको भी 90 रुपए में ही मिलती होगी. लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि वही बोतल 10 रुपए में बनकर तैयार हो जाती है? 10 रुपए में वो बोतल बनकर तैयार हो जाती है, समझ रहे हो? तो अब वो 10 रुपए की बोतल हमें 90 रुपए में क्यों मिल रही है? क्योंकि उसका भी बिजनेस काफी कंट्रीज के अंदर है. अगर उसको इंडिया के अंदर बिजनेस करना है तो वो अपने सामान को नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास भेजता है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर से सामान आता है रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर से सामान आता है होलसेलर के पास, होलसेलर से सामान आता है रिटेलर दुकानदार के पास, दुकानदार से आप सामान खरीदते हो. क्यों खरीदते हो? जब आप देखते हो एडवर्टाइजमेंट, माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है. ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और ये बड़ी इंडस्ट्री तो है ही है एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री, लेकिन ये सबसे बड़ी फेक इंडस्ट्री भी है. आप खुद सोच के देखिए कि क्या ऐश्वर्या राय लक्स साबुन का यूज करती होगी? हाँ जी. क्या अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल से रोज मालिश करते होंगे? नहीं. सो मतलब वो फेक इंडस्ट्री है. और ये जो पैसा है, मतलब जो 80 रुपए बीच में बचे, उसमें से 30-40% कंपनी के पास जाना है, 60-70% प्रॉफिट जाता है इस चैनल के पास, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, रीजनल के पास, होलसेलर रिटेलर. सबसे ज्यादा पैसा ले जाता है एडवर्टाइजमेंट करने वाला. और तो फॉरएवर ने क्या किया, इसके ऊपर कांटा लगा दिया. इसके प्लेस पे आते हैं फॉरएवर डिस्ट्रीब्यूटर, जो फॉरएवर के साथ बिजनेस करते हैं. अब आप खुद सोच के देखिए, जो 60-70% पैसा इन लोगों के पास जा रहा था, अब किसके पास जाएगा? फॉरएवर डिस्ट्रीब्यूटर के पास. तो जो लाखों करोड़ों रुपया कंपनीज यहां खर्च कर रही थी, वो जाएगा जो फॉरएवर के साथ बिजनेस करेंगे, जो बिजनेस ओनर होंगे. तो इसलिए लोग यहां लाखों करोड़ों रुपया कमा लेते हैं. वो भी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं आगे कि कैसे. अब यहां काम कैसे करना है, आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि सर काम को कैसे करना है. सबसे पहले काम कैसे स्टार्ट होगा, जिन्होंने भी आपको यहाँ पर इनवाइट किया है उनके पास या उनको बोल के आप अपनी आईडी एक्टिवेट करानी है. आपने वो कैसे होगी, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपकी जीमेल आईडी, आपके फोन नंबर के साथ आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी. जब आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी तो यहाँ आप बन जाओगे प्रेफर्ड कस्टमर. फॉरएवर बिजनेस के अंदर आईडी एक्टिवेट होते ही आप प्रेफर्ड कस्टमर बन जाओगे और फॉरएवर के हर प्रोडक्ट के ऊपर आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा. अब यहां आपको बिजनेस कैसे समझ में आएगा कि कैसे कैसे बिजनेस चलेगा. अब फॉरएवर का बिजनेस तो 160 प्लस कंट्रीज के अंदर है. कहीं पर डॉलर चलते हैं, कहीं पर यूरो चलते हैं, कहीं पर पाउंड चलते हैं. तो अलग अलग कंट्रीज के अंदर अलग अलग करेंसी चलती है. तो फॉरएवर ने सारी करेंसी को मैनेज करने के लिए क्या किया, अपना एक पॉइंट सिस्टम बना दिया जिसको नाम दे दिया सीसी. अब ये सीसी क्या है, जिसको हम कैश क्रेडिट भी बोल सकते हैं. अब फॉरएवर ने हर प्रोडक्ट को पॉइंट दे रखे हैं. जैसे अपनी आईडी से मान लीजिए, अपने आपकी आईडी से कोई एलोवेरा जेल आपने खरीदा किसी को देने के लिए या यूज करने के लिए, तो आपको उसको पॉइंट मिलेंगे 102 पॉइंट. आपने हनी खरीदा, आपको 105 पॉइंट मिलेंगे. आपने टूथ जेल खरीदा, आपको 34 पॉइंट मिलेंगे. ऐसे ही जब आप प्रोडक्ट खरीदते रहेंगे ये किसी को देने के लिए या खुद यूज करने के लिए, तो वहां आपको पॉइंट मिलते चले जाएंगे उसके. तो जब वो पॉइंट ऐड होते चले जाएंगे और पॉइंट मिल करके 1000 पॉइंट हो जाएंगे, तो वो बन जाता है एक सीसी. आई थिंक आपको सीसी समझ में आया होगा. और इंडिया के अंदर जो एक सीसी की वैल्यू है वो लगभग 15,000 रुपए है. मतलब जब आप अपनी आईडी से 15,000 रुपए तक की टर्नओवर प्रोड्यूस कर देते हो तो आपका एक सीसी कंप्लीट हो जाता है. और जब आप यहाँ पर 2 सीसी, मतलब लगभग 2 सीसी 30,000 रुपए की टर्नओवर आप लोग प्रोड्यूस कर देते हो, तो आप यहां पर बन जाते हैं FBO. आपको नेक्स्ट लेवल मिल जाता है. और जो प्रोडक्ट के ऊपर आपको 15% डिस्काउंट मिल रहा था, उन्हीं प्रोडक्ट के ऊपर आपको 30% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट होल सेल प्राइस पे आपको प्रोडक्ट मिलना स्टार्ट हो जाते हैं. और 5% उसका कैशबैक भी आता है, मतलब 35% आपको प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट मिलेगा. अब आप लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा कि क्या यहाँ प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे. पहले भी 15% डिस्काउंट देके प्रोडक्ट बिकवा दिए, अभी भी बता रहे हैं कि अब 30% डिस्काउंट मिलेगा. नहीं,
अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ये प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं है। आज तक कोई भी बंदा प्रोडक्ट बेच के अमीर नहीं हुआ। यहां मेन काम है नेटवर्क क्रिएट करने का। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, एक नेटवर्क के थ्रू मार्केटिंग करना किसी चीज की, मतलब आप अपनी एक टीम क्रिएट करोगे ज्यादा टर्नओवर प्रोड्यूस करने के लिए। अगर आपके साथ कोई एक पर्सन बिजनेस करने के लिए आता है, आप बिजनेस के बारे में बताते हो उसको और वो भी 2 CC के टर्नओवर प्रोड्यूस कर देता है, तो आपके पास 20% कमीशन आता है और आपका 36,000 रुपए का चेक बन जाएगा। अगर 2 पर्सन कर देते हैं तो 12,000 रुपए का, सोच के देखो, एक मंथ के अंदर आपने 10 लोगों के साथ बिजनेस शेयर किया और उन्होंने अपना 2 CC कंप्लीट कर दिया, तो आपका 60,000 रुपए का भी चेक बन सकता है एक मंथ के अंदर। मतलब यहाँ इनकम जो है वो फिक्स इनकम नहीं है, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना कमाना चाहोगे, है ना। और जो डीएन एंटरप्रेन्योर है उसके अंदर जो असिस्टेंट सुपरवाइजर है अच्छे से वर्क कर रहे हैं। देखो, काम करोगे तभी पैसा आएगा, बिना काम किए पैसा नहीं आएगा, पहले ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि फॉर एवर ना ही कोई स्कीम है ना ही कोई स्कैम है, ये एक प्रॉपर बिजनेस है जो आप लोगों को समझा रहा हूँ। जो असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं वो लगभग 10, 12, 15 कितना भी आप अर्न कर सकते हैं इस रेंज में। उसके बाद जब आप भी काम कर रहे हैं, आपके साथ आपकी टीम काम कर रही है, तो आप बन जाते हैं सुपरवाइजर। जब आप 25 CC का बिजनेस कर देते हैं कंसेक्टिव 2 मंथ के अंदर, तो यहाँ पर आप 25 से लेके 35-45 कितने हजार रुपए का आप चेक बना सकते हो, क्योंकि आपकी क्या बढ़ जाती है, आपकी कमीशन बढ़ जाती है। पहले आपको 20% आ रही थी, फिर 23% आएंगे और टीम से भी आपके पास पैसा आएगा जो आपने पहले टीम क्रिएट की है नीचे। उसके बाद जब आप 75 CC पूरी टीम के साथ कर देते हो कंसेक्टिव 2 मंथ के अंदर, तो आप बन जाते हैं असिस्टेंट मैनेजर इस बिजनेस के अंदर। और यहाँ पर आप असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे 50,000, 60,000, 70,000 रुपए तक आराम से कमा सकते हो। और अगर मैं बात करूं नेक्स्ट लेवल की, मैनेजर लेवल, जब आप पूरी टीम के साथ 120 CC का बिजनेस कर देंगे तो आप बन जाएंगे मैनेजर। और फॉरएवर बिजनेस के अंदर जो मैनेजर की इनकम होती है लगभग 1 लाख प्लस होती है, 1 लाख प्लस वो इनकम अर्न करता है। इसके बाद फॉरएवर 10 प्रकार की इनकम देती है आपको, कार प्लान देती है, मतलब उस इनकम से अलग है ये कार प्लान की इनकम। और इंटरनेशनल ट्रिप आप यहाँ पर इंजॉय कर सकते हो, इंटरनेशनल दुनिया घूमने का आपको मौका मिलता है। 1+1 होते हैं, आप एक पर्सन को अपने साथ बिल्कुल फ्री में लेके जा सकते हैं यहाँ पर, है ना। उसके बाद डोमेस्टिक ट्रिप, इंडिया में घूमने का आप लोगों को शौक होगा बहुत ज्यादा, तो ये भी 1+1 और ये बिल्कुल फ्री होते हैं, 5-स्टार ट्रिप होते हैं ये। मैनेजर लेवल के बाद आप इनको क्वालिफाई करते हैं, है ना। इसके बाद जो फॉरएवर की सबसे बड़ी इनकम है, दिस इज कॉल्ड चेयरमैन बोनस। और बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो इस इनकम को ले रहे हैं। देखो, यहाँ आपके सामने एक चेक है, मिस्टर कृष्ण अरोड़ा, 8 अप्रैल 2021 में मिला हुआ, मतलब लास्ट मंथ में ये चेक मिला है। कितने का चेक है? 63,47,110, समझ रहे हो? ये चेयरमैन बोनस होता क्या है, दिमाग हिल जाता है इसको देख के। ये चेयरमैन बोनस होता क्या है, ये है कि जितना फॉरएवर का टर्नओवर होता है उसका 3% फॉरएवर क्या करती है, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है एज अ बोनस के रूप में, जो इसको क्वालिफाई करते हैं। तरंग अरोड़ा, ये दोनों ब्रदर हैं, इसका चेक है कितने का, 59,74,728, है ना। जसप्रीत सिंह, लेवल 1 लेवल 2 के ये चेक है ना। और इसके बाद लेवल 3, जो सबसे बड़ा मतलब लेवल 3 होता है, इसमें मिस्टर सूर्य सिन्हा जो है इंडिया से, इनका सिंगल चेक है 3,84,15,679 रुपए का एक सिंगल चेक है, ठीक है जी। सो ये सब देख के आप एक्साइटेड हो रहे होंगे। मैं अब आपको कृष्ण अरोड़ा सर से मिलवाता हूँ यहाँ पर, जस्ट आप वेट करें 1 मिनट गाइस, ठीक है, 1 मिनट वेट करें आप, मैं उनको बुलाता हूँ। दिन में 30 लोगों से प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें बिना उनके पीछे भागे, और चाहे आप एक्सपर्ट न...
अ लाइफ विदाउट अ गोल इज जस्ट अ विश. लाइकवाइज मैंने भी लाइफ में एक गोल लिया था जिस वजह से मेरी लाइफ एक अच्छी लाइफ बन सकी और मैं आज आपके सामने बैठा हूं. कुछ अचीव करा मैंने इसलिए मैं आपके सामने बैठा हूं. सो माइसेल्फ कृष्णा अरोड़ा, young digital entrepreneur and a sapphire manager in this beautiful marketing plan of forever living products. आज से 3 साल पहले I was just a school going kid. मैं science background से belong करता था और मैंने सोच रखा था कि मैं भी BTech करके एक software engineer बनूंगा. But पढ़ाई करते करते मैंने एक चीज रियलाइज करी कि बीटेक कर तो लूं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन तो लूं, बट उसके बाद की जो लाइफ है वो मुझे सेटिस्फाई नहीं करती. तो उस टाइम मैंने अपने कजन ब्रदर तरंग के साथ मिलके एक चीज सोची कि चल यार कुछ बिजनेस करते हैं. फिर से हमने एक चीज रियलाइज करी कि बिजनेस भी कर लें, पैसा कमा लेंगे बिजनेस करके, बट जो एक अच्छा लाइफस्टाइल होता है, एक टाइम फ्रीडम होता है, वो हम उस बिजनेस से अचीव नहीं कर पाएंगे. तो उस टाइम पे एक पर्सन से हम बहुत इन्फ्लुएंस हुए, उनके लाइफस्टाइल से हम बहुत इन्फ्लुएंस हुए. ही इज नन अदर देन मिस्टर जतिन अरोड़ा, आर मेंटोर. हमने देखा कि वो एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं, वो हमारे नेबर थे, वो टाइम फ्रीडम बहुत इंजॉय कर रहे हैं, इंटरनेशनल वेकेशंस बहुत इंजॉय कर रहे हैं. तो दैट टाइम हमने डिसीजन लिया, उनसे पूछे तो सही कि वो एटलीस्ट करते क्या है. हमने उनसे पूछा वो करते क्या है. उस टाइम पे उन्होंने बोला एक बार आधे घंटे के लिए साथ बैठते. जैसे ही हमारे बोर्ड्स कंप्लीट हुए, हम जतिन सर के साथ बैठे, उन्होंने हमें फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान और अच्छे से एक्सप्लेन किया. उस टाइम पे हमारा विजन और क्लियर हुआ. मैंने किसी ना किसी तरीके से पापा को सारी कैलकुलेशन समझा के मनाया, इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है. तो उन्होंने बोला चल एक बार ट्राई कर ले. फिर मैं फॉरएवर के दिल्ली RDO ऑफिस गया, वहां जाके मैंने जतिन सर से सारे प्रोडक्ट्स के बारे में समझा, प्रोडक्ट्स परचेज करके अपना बिजनेस स्टार्ट किया. जब मैंने स्टार्ट करा, पूरा स्ट्रगल किया, मेहनत करी, स्टार्ट करते ही चैलेंजेस आए. मेरे दोस्तों ने मना किया, मेरे रिलेटिव्स ने मना किया, हर एक आदमी ने मुझे रिजेक्ट करना स्टार्ट किया, बट मैं रुका नहीं. मैंने मेट्रो में जाना स्टार्ट किया, मैं मेट्रो में जाके लोगों को पैम्पलेट देता था, मैं लोगों से एक रिलेशन बिल्ड करता था, मैं लोगों को प्रोस्पेक्ट करता था कि आओ मेरा प्लान समझो. तो मेरे को ये सब चीजें करते करते कुछ ही पल हुए थे कि 3 महीने में मैंने सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करा और मैंने लाइफ की पहली अचीवमेंट ली. दैट वाज माय फर्स्ट सेल्फ अर्न्ड फोन. मेरे को बहुत खुशी हुई कि मैंने खुद से पहली बार कोई चीज परचेज करी है. उसके बाद यही जर्नी रुकी नहीं, मैं और मोटिवेट हुआ. मैंने 6 महीने के अंदर अंदर तरंग और मैंने दोनों ने मिलकर मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया और हम अपने ग्रुप के यंगेस्ट और फास्टेस्ट मैनेजर थे. उसके बाद जो मोटिवेशन आया, हमारी 6 फिगर इनकम आई. एक तो 2017 में मेरी टोटल इनकम मात्र 2 लाख रुपए रही, 2018 में मैं सीनियर मैनेजर बना, मेरी इनकम 3 लाख रुपए टच करी और मेरी 2018 की टोटल इनकम एंड होते होते 15 लाख रुपए पहुंच गई. और इसी साल मैं अपनी लाइफ की फर्स्ट इंटरनेशनल वेकेशन पे गया, मैं और तरंग दुबई गए, हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया. मात्र 19 की एज में मैंने अपने पैसों से सेल्फ अर्न्ड टॉप मॉडल ह्यूंडई वर्ना परचेज करी वर्थ ₹16 लाख. 2019 में मैंने चेयरमैन बोनस लेवल 1 क्वालिफाई किया और चेयरमैन बोनस क्वालिफाई करके उस टाइम पे मेरी मंथली इनकम ईयर एंड होते होते 5 लाख रुपए टच कर गई. अब बात आई 2020 की. 2020 स्टार्ट होते ही जनवरी में जैसे कि सबका मोटिवेशन हाई होता है, हमारे ग्रुप का भी मोटिवेशन बहुत हाई था, हमारे भी टारगेट्स बहुत बड़े हो चुके थे. 2020 जनवरी स्टार्ट होते ही मेरी मंथली इनकम 5 लाख रुपए आई. फरवरी 2020 में मैं अपनी फैमिली के साथ 10 दिन की वेकेशन पे सिंगापुर मलेशिया गया और हमने खूब इंजॉय किया. और इसी महीने में सोरिंग मैनेजर क्वालिफाई किया, सोरिंग मैनेजर के साथ साथ मैंने कारपेन लेवल 3 क्वालिफाई किया और मेरी मंथली इनकम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम 7 लाख रुपीज क्रॉस कर गई. उस टाइम जो मोटिवेशन था, उस टाइम हमने ठान लिया था कि 2020 विल बी अ गेम चेंजिंग ईयर फॉर अस और हम जितने भी टारगेट्स हमने लिए वो सारे पूरे करेंगे. बट फिर आया मार्च 2020 में जब लॉकडाउन आया, इनकम भी कम हुई, सीसीज भी कम हुई, मतलब ओवरऑल बिजनेस कम हो गया. बट जो हमने 2019 में चेयरमैन बोनस क्वालिफाई किया था, कंपनी ने वो हमें अप्रैल में इनिशियल डेज में ही मंथली क्रेडिट कर दिया और उस टाइम पे हमें बहुत अच्छा मोटिवेशन आया. क्योंकि फर्स्ट टाइम अकाउंट में मेरे लाइफ में 7 फिगर्स क्रेडिट हुई थी. तो उस टाइम पे मेरे को रियलाइज हो गया कि अब तो भैया रुकना नहीं है, इस साल जो सोचा था बड़ा करना है तो मतलब बड़ा करना है. तो हम आगे चलते रहे, हमने और बड़े बड़े टारगेट सेट करे. उस टाइम पे सबसे बढ़िया डिसीजन लिया, हमने अपना सारा सिस्टम
ए टू जेड सारा सिस्टम डिजिटल कर दिया। ऑफलाइन सेमिनार से ऑनलाइन वेबिनार्स पे आए और उस टाइम मोटिवेशन अलग ही टाइप का था, मोटिवेशन अलग लेवल पे हाई था। उस टाइम पे हमने सोच लिया था बहुत बड़ा करेंगे और सारे मिलके साथ करेंगे। उस टाइम पे कंपनी टॉप 20 की मंथली लिस्ट डाल रही थी, तो उस टाइम एक चीज रियलाइज कर रही थी, अब तो इस लिस्ट में नंबर 1 पे आना है। तो उस टाइम हमने टारगेट लिया नंबर 1 पे आने का। मेरे को याद है मेरी मंथली इनकम लगभग 7.5 लाख रुपए क्रॉस करी और मैं उस टाइम पे वॉल्यूम के हिसाब से उस महीने के लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पे आया। उसके बाद रुके नहीं, चलते रहे, अगले महीने इतना बढ़िया डिसीजन लिया। जून का महीना मैं बिल्कुल नहीं भूलता अपने लाइफ का। जून 2020 वॉज द फर्स्ट मंथ इन माई लाइफ जिस महीने मेरी मंथली इनकम 7 फिगर क्रॉस करी। मेरा 11 लाख रुपए का मंथली पे आउट क्रॉस कर गया था, अगले महीने 13 लाख रुपए का पे आउट क्रॉस करा। और लॉकडाउन में ही इस जून जुलाई के महीने में ही मैंने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया, मैंने अपना घर शिफ्ट किया। मैं अभी तक एक लग्जरी कार ऑन नहीं करता और ना मैंने सोचा था मैं जून जुलाई में लग्जरी कार लूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा एक टारगेट था कि मेरे को एक बहुत अच्छा सा घर शिफ्ट करना है मेरे को। मैं ये नहीं बोलूं मैं अपने ड्रीम हाउस में शिफ्ट हुआ, नो, बट मैंने एक बहुत अच्छा सा हाउस लिया, मैंने अपना खुद का पर्सनल रूम बनाया, वहां पे मैंने अपना खुद का छोटा सा वर्क स्टेशन बनाया जिस पे मैं बैठ के काम करना स्टार्ट किया। और मेरा वर्किंग एथिक्स, मेरा सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो गया कि अब मेरे को और अच्छे से काम करना है। अब जैसे ही लॉकडाउन थोड़ा लीनियंट हुआ, खुलना स्टार्ट हुआ, हमारी टीम में अलग टाइप का मोटिवेशन आया। बाय द एंड ऑफ जुलाई अगस्त मेरी टीम में लगभग 70-80 मैनेजर्स डेवलप हो चुके थे, मतलब 70-80 ऐसे लोग जो 6 फिगर में इनकम एंजॉय कर रहे थे। लगभग 8-10 लोगों ने मेरी टीम में अलग अलग टाइप की गाड़ियां परचेज करी, किसी ने हुंडई वर्ना परचेज करी, किसी ने क्रेटा परचेज करी, किसी ने MG हेक्टर परचेज करी। बहुत अच्छा ट्रेंड चला। और सबसे बढ़िया चीज बताऊं मेरी जर्नी की, वो ये थी, इतनी सारी अचीवमेंट्स में खाली मैं इकलौता ही नहीं था जो अचीव कर रहा था और मैं इकलौता ही नहीं था जो पैसे कमा रहा था। 2019 में मेरे को याद है, 2019 में मैं नॉन मैनेजर सीसीज में टॉप 3 पे था, बट मेरी डाउनलाइन, मेरा कजन ब्रदर रोहित अरोड़ा 2019 में नॉन मैनेजर सीसीज में टॉप 1 पे था। और वो हमेशा ये बोलते हैं, मैं अगर उस पोजीशन पे था तो खाली तेरी वजह से था। ये जो लोग बोलते हैं ना कि आज मैं जो हूँ वो आपकी वजह से हूँ, इस प्लेटफॉर्म की वजह से हूँ, वो चीज़ मेरे को और इंस्पायर करती है। आज के टाइम पे लगभग मेरे सिस्टम में, मेरी टीम में 100+ मैनेजर्स हैं, जिसमें से 15 के आसपास सीनियर मैनेजर्स हैं, एक सोरिंग मैनेजर है, एक सफायर मैनेजर है और बहुत सारे कारप्लान अचीवर्स हैं। अभी मैंने आपको 2018 की अपनी इनकम बताई थी 15 लाख रुपए, 2019 में मेरी मंथली इनकम्स को टोटल करके जो इनकम पहुंची वो लगभग 35 लाख रुपए पहुंची। और गाइस 2020 अब एंड हो चुका है, 2020 में मैंने और बहुत अचीवमेंट्स करी। 2020 में सितंबर में मैंने वर्ल्ड के वन ऑफ द यंगेस्ट सफायर मैनेजर का टाइटल अचीव करा। मैं 21 की एज में सफायर मैनेजर बना। सफायर मैनेजर बनते ही मेरी मोटिवेशन और बड़ी बूम कर गई, रीजन बीइंग दैट उस टाइम पे मैंने जेम बोनस क्वालिफाई किया। आप सब इंट्रोड्यूस्ड होगे, जेम बोनस एक इनकम होती है जो सफायर मैनेजर के बाद क्वालिफाई होती है। उस टाइम पे मेरी मंथली इनकम और बढ़ी और बढ़ते 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 2020 की खाली मंथली इनकम को टोटल करके अगर मैं अपनी टोटल इनकम के बारे में बताऊं तो वो फॉरएवर से 1 करोड़ रुपए क्रॉस कर गई। कौन कह सकता है कि 21 साल की उम्र में एक नॉन ग्रेजुएटेड स्टूडेंट 1 करोड़ रुपए 1 साल के कमा सकता है? मैं दावे से कह सकता हूं फॉरएवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो 1 साल में 1 करोड़ नहीं 10 करोड़ भी दे सकती है। क्यों? क्योंकि 2021 स्टार्ट हो चुका है और मैं 100% श्योर हूं 2021 में कुछ बड़ा होगा, क्योंकि जिस तरीके से कंपनी हमें सपोर्ट कर रही है, जिस तरीके से मैनेजमेंट हर चीज को डिजिटली सपोर्ट कर रहा है, जिस तरीके से इंप्रोवाइजेशन आ रही है, मैं थैंक्स करना चाहूंगा FLP इंडिया मैनेजमेंट का, कंट्री सेल्स मैनेजर मिस्टर हरीश सर का, आकाश सर का, जिन लोगों ने हमें पूरी जर्नी में बहुत अच्छे से सपोर्ट किया और बहुत अच्छे से गाइड किया। और बात यहीं नहीं रुकी, जैसे जैसे लॉकडाउन लीनियंट हुआ मैंने खुद के लिए अपना एक वर्कस्पेस डिजाइन किया। आज वहां पे मैं और मेरी टीम बैठ के और कैसे इंप्रोवाइज करें इस चीज पर काम कर रहे हैं। और एक मोमेंट है जो मैं बिल्कुल नहीं भूलता 2020 का, वो 2020 खत्म होते ही जब 2021 का फर्स्ट वीक था, मैं एक बहुत प्राउड से बताना चाहूंगा, लास्ट ईयर 2020 में जो मेरी टोटल वॉल्यूम थी वो 5000 सीसी की क्वालिफिकेशन हुई। मैंने 5K क्वालिफायर में अपना नाम लिखवाया और मेरे को याद है सुबह सुबह 8 बजे, फर्स्ट वीक की बात है, 1 या 2 तारीख की बात है, सुबह सुबह 8 बजे मेरे को एक कॉल आती है और वो कॉल डायरेक्टली US से आती है और मेरे को बहुत प्राउड फील हो रहा है बताते हुए। वो कॉल और किसी की नहीं, नवाज मैम की कॉल थी, जिन्होंने मेरे को कॉल करते ही कॉन्ग्रेचुलेट बोला। मेरे को वो बातें याद है, उन्होंने मेरे को बोला कॉन्ग्रेचुलेट
कांग्रेचुलेशंस कृष्णा फॉर योर बिग अचीवमेंट, आपने बहुत बड़ी अचीवमेंट करी। और उन्होंने मेरे को बताया कि इतनी कम एज में पूरे वर्ल्ड में मैं पहला ऐसा इंसान हूं जिसने इतना बढ़िया वॉल्यूम, इतना बड़ा वॉल्यूम जनरेट करा। तो मैं इस जर्नी को थैंक्स करना चाहूंगा, मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को थैंक्स करना चाहूंगा, मैं सबको, मैं अपनी टीम को, मैं अपने पेरेंट्स को और गॉड को थैंक्स करना चाहूंगा कि मुझे इतना काबिल बनाया कि मैं ये सब चीजें अपनी लाइफ में अचीव कर पाया। मैं आपको लास्ट में एक ही मैसेज देना चाहूंगा, अगर आप सब भी सेम अचीवमेंट्स लेना चाहते हैं और आप सब भी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपने कंसिस्टेंट रहना है। जिस भी चीज को आप कर रहे हो उस चीज में कंसिस्टेंसी कभी मत छोड़ो। मेरे सक्सेस का एक ही रीजन है, मैं कंसिस्टेंटली एक्शन करता रहता हूं, मैं एवरीबॉडी आई थिंक आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा सर को सुन के, है ना। यहाँ मैसेज आ रहा है, व्हाट इफ आई डोंट हैव पैन कार्ड। आधार कार्ड से भी आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। सो अब इसके बाद जो हमारा डीएन एंटरप्रेन्योर का एजुकेशन सिस्टम है, अभी आपको क्या करना है, आप लोग अपने सीनियर जो जिन्होंने मतलब आपको यहाँ पर इनवाइट किया है उनको पहले थैंक यू बोलो और स्क्रीनशॉट सेंड करो उनको और अपनी आईडी एक्टिवेट कराओ, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीमेल आईडी, फ़ोन नंबर के साथ आईडी एक्टिवेट कराओ। और सबसे पहले देखो करना क्या है, एजुकेशन लेनी है, इस बिजनेस के बारे में सीखना है। कल हम मिलेंगे 5 बजे आपको बहुत अच्छे तरीके से और ज़्यादा गाइड किया जाएगा, बहुत अच्छे से सिखाया जाएगा, ठीक है। सो आपको क्या करना है, ठीक है जी। सो ओके एवरीबॉडी, एंड अभी आप लोगों को आईडी एक्टिवेट करा के अपने सीनियर से बात करें जिन्होंने आपको यहाँ पर इनवाइट किया है, वो आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे, ठीक है जी। किसी प्रकार की कोई बढ़िया इन्वेस्टमेंट नहीं है फॉरएवर के अंदर, ठीक है जी। सो ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू वेरी मच, डीएन एंटरप्रेन्योर आपके साथ है, आपकी ग्रोथ में आपके साथ है। ऑल द बेस्ट गाइस, ओके जी, ओके, थैंक यू वेरी मच।